यदि आपने शिक्षक बनने का सपना देखा है तो सीटेट एग्जाम आपके लिए एक बड़ा अवसर है। हमारे संस्थान टारगेट बिथालो कान्हा इंस्टीट्यूट ने कल 13 सितंबर से सीटेट एग्जाम के लिए आप सभी को तैयार करने का निश्चय किया है। इसकी सूचना आप सभी के पास है। 40 दिनों का एक प्रोग्राम आपके पास है, एक पूरी टीम आपके साथ है, मजबूत सशक्त अनुभवी अध्यापक आपके साथ है। इस पूरे ग्रुप के माध्यम से हमने यहाँ पर 40 दिनों की एक रणनीति तैयार की है। सभी विषय विशेषज्ञों ने अपने अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित किया है, अपनी प्लानिंग तैयार की है, अपने क्वेश्चंस रेडी किए हैं और उसके माध्यम से उन्होंने कल से इस प्रिपरेशन को प्रारंभ करने का निर्णय किया है। अगर आप इस 40 दिन के कोर ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो वास्तविकता में आप शिक्षक बनने की इस दिशा में जो सीटेट एग्जाम के माध्यम से शुरू हो रही है, आप एक मजबूत प्रतिभागी के रूप में सामने आएंगे। इस कोर ग्रुप का समय प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 7 बजे का रहेगा, अर्थात 3 कक्षाएं प्रतिदिन आप सभी को प्रोवाइड की जाएंगी संस्थान के माध्यम से, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस कराने का जिम्मा हमारा है। इस प्रिपरेशन में, इस प्लानिंग में मैं संदीप तिवारी आप सभी को एक मजबूत विषय गणित पढ़ाऊंगा। गणित को लेकर के हमेशा एक टेंशन बनी रहती है, लेकिन आप उस टेंशन को मुझे दे दीजिए, आप केवल फ्री होकर के उस प्रिपरेशन को मेरे साथ करिए। मैंने जैसे देखा है सीट परीक्षा में कैलकुलेशन के साथ साथ शिक्षण में ज्यादा हमें परफॉर्म करने की जरूरत होती है, तो मैंने शिक्षण के हिसाब से आपके कंटेंट को रेडी किया। शिक्षण और कैलकुलेशन का कंबाइंड मिश्रण आप लोग यहाँ पर इस पाठ्यक्रम प्रैक्टिस में आप देखेंगे, आपको अनुभव होगा कि आप सीटेट की परीक्षा के लिए एक मजबूत प्रतिभागी, हमारा दावा है, हमारा कमिटमेंट है, आप एक मजबूत प्रतिभागी की तरह, एक मजबूत छात्र की तरह इस प्रिपरेशन में हमारे साथ जुड़िए और अपने आप को सीटेट की परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। कल से प्रारंभ हो रही इस लाइव कक्षाओं में जुड़ करके आप अपना चयन सुनिश्चित करें। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। केंद्र स्तर की बहुत बड़ी परीक्षा सीटेट के लिए संस्थान के द्वारा प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक आपके लिए 40 दिन का कोर प्रैक्टिस सीरीज प्रारंभ करने चल रहे हैं, जिसमें मैं गौरव नरंजन आप सभी को पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षण से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, विगत वर्षों में जो भी सीटेट में पर्यावरण से प्रश्न पूछे गए हैं, उनका तार्किक विश्लेषण आपको कराऊंगा। साथ ही साथ में मेरी पूरी टीम आपके साथ लगकर इस एग्जाम को सफल कराने के लिए, इस एग्जाम में आपको पास कराने के लिए जी जान से मेहनत करेगी। तो प्रत्येक दिन प्रत्येक सदस्य के साथ, प्रत्येक टीचर के साथ आपको जुड़ना है और निश्चित रूप से आपको अपनी सफलता को अर्जित करना है। तो तैयार रहिएगा, मंगलवार से ये सीरीज आपके लिए हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रमोद, सीडीपी अध्यापक ऑन टारगेट ऑन टीचिंग प्लेटफॉर्म। मित्रों, जो सीटेट का एक 40 दिन का आपका कोर्स लॉन्च हुआ है, ये आपको यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा और ये एक प्रकार से ऐसी श्रृंखला होने वाली है जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं आपको मिलूंगा सप्ताह में 3 दिन लगभग, वो आपका सीक्वेंस वाइज सभी टीचर आपके सामने उपलब्ध होते रहेंगे। मैं मिलूंगा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, यानी कि प्रैक्टिस सेशन के साथ मैं आपके सामने उपलब्ध होऊंगा। ओवरऑल सभी कोर्स से, यानी कि संपूर्ण सिलेबस से आपका क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरीके से, इस अंदाज से रखा जाएगा कि प्रश्नों की व्याख्या के तरीके से आपको बेहतर जानकारी उपलब्ध हो पाए, ताकि आप आगामी एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। धन्यवाद। हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट बिथालोक में। मैं अनिल मिश्रा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, जैसा कि मालूम है कि हमारे संस्थान टारगेट बिथालोक द्वारा कल से एक सीटेट परीक्षा के लिए कल से 40 दिन का एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। और इस परीक्षा में संस्कृत भाषा और संस्कृत शिक्षण की जिम्मेदारी संस्थान ने मेरे ऊपर दी है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अनिल मिश्रा आप लोगों को संस्कृत शिक्षण से संबंधित और संस्कृत भाषा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका अवलोकन करवाऊंगा। और प्रारंभ में संस्कृत शिक्षण से संबंधित आप देखते हैं कि इस सीटेट की परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपसे 15 प्रश्न जो है भाषा से पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न आपके शिक्षण तकनीकी से संबंधित रहता है। तो शिक्षण तकनीकी की जो महत्वपूर्ण बारीकियां हैं, भाषा को कैसे तकनीक के माध्यम से आपको सीखना है,
कैसे उसका परीक्षण करना है, कैसे उसका मूल्यांकन करना है, विषय वस्तु को कैसे सरल बनाना है, इन सारी चीज़ों को क्रमबद्ध ढंग से हम जो है क्लास के प्रारंभ में ही आपको व्यवस्थित ढंग से जो है अवलोकन करवा के इसके बाद विषय वस्तु में प्रवेश करा करके जो है आपकी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बस इसी के साथ साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। यदि आप चाहते हैं सीटेट में इस बार 100% चयनित हो जाना, और चयनित होने में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 150 में 130 अंकों का आ जाना, प्राइमरी में भी और जूनियर में भी, तो मैं इंश्योर करूंगा कि आप सभी प्रश्नों को कम से कम समय में सीबीटी के परीक्षा में, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से भी परीक्षा होने के बावजूद, आप कम समय में अपने प्रश्नों को कैसे जल्दी अप्रोच कर पाएंगे और उनके सबसे बेहतर उत्तरों के लिए आपको तैयार करूंगा। प्रतिदिन प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाऊंगा और डिटेल कोई भी प्रश्न आएगा तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको वहीं पर समझाते हुए मैं हिंदी विषय के साथ भाषा के तौर पर आपसे जुड़ूंगा। तो मैं विवेक पांडे आपका स्वागत और अभिनंदन करने वाला हूं, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। सीटेट की परीक्षा के लिए इस बार अपने आप को रखिए तैयार, हम हैं आपके साथ जुड़ने के लिए बेताब। क्या आप भी हैं तैयार? तो इस बार सीटेट पार, जय हिंद। तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट का कल से यानी 13 से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे क्लासेस, और क्लासेस इस तरीके से होंगी ताकि क्वेश्चंस के माध्यम से आप जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस की अप्रोच बना सकें। तो उसमें मैं लैंग्वेज और लैंग्वेज पेडागॉजी, डेफिनेटली मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की जो पेडागॉजी होगी उसको आपको टीच करूंगा, जिसमें आप बेहतर कॉन्सेप्ट और बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन पाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लॉजिक क्रिएट करेगा कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, किस तरीके से लैंग्वेज के, और उससे रिलेटेड जो पेडागॉजी की बहुत ही कंफ्यूजिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उनको बेहतर अप्रोच के साथ और आसानी से आप सॉल्व कर सकें, जिससे आप कहीं ना कहीं जो 30 क्वेश्चंस हैं आप उनमें प्रॉपर अप्रोच बना सकें। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो हम मिलते हैं 13 से और एक बेहतर लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।